নগর নিগম হয় 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 নগর নিগম হয় 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 নগর নিগম হয় 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 नगर में जगह जगह हो रही सीवर लाइन की खुदाई के चलते सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे और मेन होल हो गए हैं, जिसके विरोध में शिवसेना ने नगर आयुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मुरादाबाद के महानगर में नगर निगम द्वारा सीवर लाइन के लिए जगह जगह गड्ढे व मेन होल खोदे गए हैं, जिसके चलते महानगर की सड़कों की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे और नालियों के ऊपर मेन होल खुले पड़े हैं, जिसमें आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला 2 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर खुले नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी, जिसमें नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई थी। नगर निगम द्वारा महानगर में की जा रही इस तरह की लापरवाही के चलते शिवसेना के जिला प्रमुख बिंदु अरोड़ा के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने नगर आयुक्त कैंप कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन नगर आयुक्त कार्यालय में हस्तगत कराया। सर, क्या नाम है आपका? हम लोग यहाँ शिवसेना का, मैं जिला प्रमुख हूँ, यहाँ पे शिवसेना के सभी पदाधिकारी हैं। आज जिस तरह से आप सब लोगों ने देखा नगर निगम में, जिस तरह आप ही के लोगों के द्वारा इस विषय को बड़ी सुंदरता से उठाया गया समाचार माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, एक दलीप सैनी नाम का अपना एक नाग जो हमारे यहाँ मुरादाबाद का बेटा था, वो एक मेन होल खुले होने से ख़त्म हो गया। उससे पहले भी आपको याद होगा समाजवादी सरकार में भी LNT की जो सीवर खुदाई चल रही है, उसमें भी एक महिला ख़त्म हो गई थी। और शहर में इस तरह के अनगिनत मामले हैं कि जिसमें शिवर खुदे हुए हैं, गड्ढे खुले हुए हैं, शिवर लाइनें पड़ रही हैं, नालियाँ गड्ढे पूरे सड़कें खुदी हुई हैं, उसमें लोग रोज गिर रहे हैं, किसी का हड्डी टूट रही है, किसी का पैर टूट रहा, कोई बच्चा गिर रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी नगर निगम को स्मार्ट सिटी के नाम पर नंबर एक बनाने में, हम कहते हैं ये स्मार्ट सिटी के नाम पर नंबर नहीं, भ्रष्टाचार के नाम पर नंबर एक में इस समय नगर निगम है। बिना टेंडरों के काम हो रहे हैं, अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिए जा रहे हैं, इन सब विषयों को लेकर के। और जो दलीप सैनी जो ये ख़त्म हुआ, ये नहीं, ये सभी हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस पर विषय को गंभीरता से हम सब लोग पूरे महानगर में उठे। और ये नगर निगम जो कर रहा है, और नगर निगम में जो हाउस टैक्स के नाम पर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर और विभिन्न तरीकों के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है, जो अधिकारी जो छोटे छोटे बाबू हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा करके मजा ले रहे हैं, और जो ये जितने जो हमारे MNA महोदय बैठे हुए हैं, ये आपको कभी भी नहीं मिलेंगे यहाँ नगर निगम का अधिकारी, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ वो मिलेंगे सिर्फ घूसखोरी का अड्डा बन गया नगर निगम। बैन होल खुले हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ? नहीं, नगर निगम में बैन होल खुले हुए हैं, इसमें एक इन लोगों ने सीधी सीधी अपने आप को सब लीपापोती कर ली। एक तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त सरकार, खूबसूरत सरकार, उसमें आप खुद ही ये देख लो कि मेन होल खुले हुए हैं, गड्ढे खुले हुए हैं, और सारी चीज़ें होने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम में एकदम, जो मैंने इसमें लिखा भी है इस माध्यम से, जनरल क्या, नगर निगम टैक्स ले रहा है हम सभी लोगों से, आम नागरिकों से, जनता से टैक्स ले रहा, व्यापारियों से टैक्स आ रहा है, तो उन सब के बीच में संवाद होना चाहिए। हर 3 महीने 6 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, और नगर निगम के हॉल में मीटिंग होनी चाहिए, किसको किससे कौन सी परेशानी है। आप लोग कहीं जाते ही नहीं अधिकारी, आप कहीं कैंप ही नहीं करते हैं, कौन से वार्ड में बता दो आप कैंप कर रहे हो, सिर्फ यहाँ बैठे और आपने टेंडरों की फाइल करी और अपने फोटो खिंचवाए और आकर के चले गए, डस्टबिन रख दिया कहीं पर, उसके नाम पर आपने फोटो खिंचवाए और चले गए। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन है और MNA महोदय के माध्यम से देंगे, या नगर निगम का कोई भी अधिकारी इसको ज्ञापन लेगा, और ये ज्ञापन नहीं है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना यहाँ तालाबंदी भी करेगी। ज्ञापन देने के लिए आज नगर आयुक्त जहाँ मौजूद हैं, नहीं है तो अब ये तो ये जिम्मेवारी नगर निगम की, अगर नहीं होंगे तो उसमें देखा जाएगा कि उन लोग ज्ञापन लेंगे कैसे लेंगे। ये शिवसेना है, आक्रामक तरीके से हम लोग ज्ञापन देंगे और हमारी बात को इन्हें सुनना पड़ेगा।